दोस्तों, आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है द रिटर्न। यानी कि इंसान के साथ कुछ ऐसा होता है जिसमें न तो वह ढंग से मर पाता है और न ही जी पाता है। तो शुरू करते हैं इस शानदार मूवी का एक्सप्लेनेशन। इस मूवी की शुरुआत होती है दूर कहीं जंगल में एक घर से, जहाँ पर एक लड़की अपने डैड को पुकार रही होती है और जोर जोर से रो भी रही होती है। लेकिन उसके डैड बहुत ही बुरे तरीके से मर चुके होते हैं और वह और उसकी माँ उसकी बॉडी के पास रो रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक वायरस से इन्फेक्टेड जॉम्बी जैसे इंसान को जो उसकी माँ के पास आता है और उसे काटने लग जाता है। और वह जैसे ही उस लड़की के पास में आता है तो वह लड़की उसे गोली मार देती है और वहां से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं एक डॉक्टर को जिसका नाम केट होता है, जो कि वहां की सीनियर डॉक्टर होती है। तभी वहां एक पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर आते हैं जो कि बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उनका बेटा भी उसी वायरस से इन्फेक्ट हो चुका होता है। तभी केट उन्हें दिलासा देती है और उस बच्चे को वहां से अकेले ही लेकर चली जाती है। फिर अगले दिन जब केट हॉस्पिटल आती है तो उसे बहुत सारे लोग हॉस्पिटल के बाहर नो रिटर्न के बोर्ड के साथ में दिखते हैं। अंदर जाने पर उसे एक नर्स मिलती है और वह दोनों उस वायरस से इन्फेक्टेड एक रूम द रिटर्न में एंटर करते हैं, जहां हमें वही बच्चा दिखाया जाता है जिसका इलाज केट कर रही होती है। यानी कि ये एक स्पेशल रूम होता है जहां पर इन्फेक्टेड लोगों को ही रखा जाता है और बाहर आए हुए वही लोग इस इलाज को बंद कराने के लिए वहां पर आए हुए होते हैं। केट उन सभी इन्फेक्टेड लोगों को एक हरा कलर का सिंथेटिक प्रोटीन इंजेक्शन लगवा रही होती है, जिससे उन इन्फेक्टेड लोगों को पूरी तरह जॉम्बी में बदलने से रोका जा सकता है। इस ट्रीटमेंट की एक ही कंडीशन थी कि वे उन्हें हर 24 घंटे में लेना पड़ता था, नहीं तो वे किसी भी समय बदल सकते थे। और यही बात केट उस बच्चे के पेरेंट्स को भी समझा रही होती है कि उन्हें कैसे उसका ध्यान रखना है और अगर उसे कहीं चोट भी लग जाए तो उन्हें ग्लव्स पहनकर ही उसका ट्रीटमेंट करना होगा। ध्यान रहे उसका ब्लड आपको नहीं टच करे। तभी केट से वह पूछते हैं कि क्या ये सच है कि कंपनी ने सिंथेटिक प्रोटीन बनाना बंद कर दिया। तो केट इसे सिर्फ एक अफवाह बताती है और उन्हें अपने बच्चे के साथ घर जाकर एंजॉय करने को कहती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एलेक्स को, जो कि एक गिटार म्यूजिशियन होता है और अपनी क्लास ले रहा होता है। तभी वहां वह अपने एक स्टूडेंट मार्क को गिटार को प्ले करने के लिए कहता है, लेकिन वह इससे मना कर देता है और बोलता है कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है और जोम्बी की तरह एक्टिंग करने लग जाता है, जिससे एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और वह उसे क्लास से बाहर निकाल देता है। ऐसा वे किस लिए करता है इसका रीजन आपको आगे स्टोरी में आगे जाके पता चल जाएगा। दिन खत्म हो चुका होता है और केट को हम वापस हॉस्पिटल से घर आते हुए देखते हैं, लेकिन बाहर आने से पहले ही वह लोगों को उसके हॉस्पिटल के खिलाफ नारे लगाते हुए देखती है, जिसके बाद वह और भी चिंता में आ जाती है और अपने आप को छुपते छुपाते उस हॉस्पिटल के मेडिकल पर लेकर जाती है। वहां जाकर उस केमिस्ट को वह एक लिफाफा देती है, जिसको वह अंदर जाकर जब खोलती है तो उसमें बहुत सारे पैसे रखे होते हैं और इसके बदले वह कैट को वही सिंथेटिक प्रोटीन देती है। यानी कि कैट ब्लैक में वह प्रोटीन बिना किसी को हॉस्पिटल में बताए चोरी से खरीद रही होती है। इसके बाद वह घर पर आ जाती है और एलेक्स को बताती है कि वह 5 और सिंथेटिक प्रोटीन लेकर आई है और पूछती है कि वह लोग कितनी देर में आने वाले हैं। तो एलेक्स बोलता है बस कुछ ही देर में। और फिर हम देखते हैं जेकब और एम्बर को, जिसके बारे में केट बात कर रही होती है। जेकब एलेक्स का 25 साल पुराना दोस्त होता है और उन दोनों के सामने आज वह एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाला होता है, जिसे सुनने से पहले वह दोनों ही शॉक हो जाते हैं। और फिर एलेक्स उन्हें बताता है 6 साल पहले वह पैदल कहीं पर जा रहा था तो एक शॉप में उसे एक गिटार दिखा जिसे वह बहुत समय से खोज रहा था और उसे लेने उस दुकान के अंदर वह चला गया, लेकिन उसे वहां पर कोई नहीं दिखा। वह उस दुकान के मालिक को आवाज लगाता रहा लेकिन कोई भी नहीं आया। तभी मुझे एक आवाज आई और मैंने उसके बेसमेंट में जाके देखा तो वह आदमी नीचे गिरा तड़प रहा था और जैसे ही मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की तो उसने मुझे काट लिया। ये एक हल्की सी खरोंच थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो इन्फेक्टेड था और अब मैं भी हूँ। तभी मैंने इमरजेंसी के लिए कॉल लगाया और मुझे मिलिट्री ने उनके ही इन्फेक्टेड लोगों के एक हॉस्पिटल में लेके जाके ट्रीट किया और मैं बच गया। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि अभी उस प्रोटीन के स्टॉक्स कम हो रहे हैं और तुम्हें इसका ध्यान होना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है एक कॉन्फ्रेंस पर, जहाँ केटीए वायरस कैसे काम करता है बता रही होती है। वह बताती है कि अगर इन्फेक्ट होने के 36 घंटों के अंदर हम मरीज को इंजेक्शन लगा दे तो इस वायरस को उसके शरीर में फैलने से रोका जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें प्रोटीन का प्रोडक्शन बिना रुके चाहिए ताकि हम आगे भी रिसर्च करते रहे। ये वही लोग होते हैं जो उस प्रोटीन को बनवाने में फंडिंग कर रहे होते हैं और केट उनको कन्विंस करने की कोशिश करती है कि फंडिंग नहीं रुके
ताकि हम रिसर्च करके इस बीमारी का क्योर निकाल सके। लोगों के प्रोटेस्ट के कारण ही ये लोग जानना चाहते थे कि इस बीमारी का कोई इलाज भी है या नहीं, या फिर कब तक आएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहां पर केट अपनी नर्स के साथ उन मरीजों की रिपोर्ट देख रही होती है। तभी उनको एक आवाज आती है और केट चेक करने के लिए जैसे ही उठती है तो गन लिए मास्क पहने कुछ आदमी वहां पर आ जाते हैं और केट का कार्ड लेके उन सभी मरीजों को मार देते हैं जिनका केट इलाज कर रही थी। यह देखकर केट बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वह अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। ये सब उन लोगों की वजह से हुआ था जो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी से परेशान होकर वह हॉस्पिटल के मालिक से एक महीने का ब्रेक मांगती है। फिर उसको एक रात उसी केमिस्ट का मैसेज आता है जो उसे चुरा कर प्रोटीन देती थी। इस बार वह प्रोटीन लेने उसी लेडी के घर जाती है, जहाँ पर वह उसे दे तो देती है लेकिन सैफ रहने को भी बोलती है। वह उसे बताती है कि उन लोगों के पास सारे रिकॉर्ड हैं। अब उन्हें पता है कि कौन सा आदमी इन्फेक्टेड है और वह कहाँ पर रहता है, और वह उन लोगों को कभी भी मार सकते हैं। केट इन सबसे बहुत डर जाती है और जब वह वापस अपने घर पहुँचती है तो एक आदमी को एलेक्स पर हमला करते हुए देखती है, जिससे वह और डर जाती है और एलेक्स उस आदमी को शूट कर देता है। दोनों ये बात किसी को भी नहीं बताते और उसकी बॉडी को पानी में ले जाकर फेंक देते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद वे दोनों ही वहां से कहीं और जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी उससे मिलने जेकब और उसकी वाइफ आते हैं और एलेक्स उनको बता देता है कि वह दोनों अब यहाँ पर नहीं रहेंगे और कहीं पर जाने वाले हैं। जेकब एलेक्स को बोलता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो, वहां तुम सेफ भी होंगे, लेकिन एलेक्स उसे मना कर देता है और उसे अपने जाने वाले मोटल के बारे में बता देता है। फिर अगली सुबह जब एलेक्स ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तब जेकब अपनी वाइफ के साथ वहां पर अचानक पहुंच जाता है और एलेक्स को बताता है कि एंटी रिटर्न ग्रुप के कारण सरकार सभी इन्फेक्टेड को अरेस्ट कर रही है, अब तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो। और एम्बर केट को एलेक्स को कन्विंस करने को कहती है ताकि एलेक्स उनके साथ उनके घर जाने को तैयार हो जाए। केट के कहने पर एलेक्स ऐसा ही करता है और तभी जेकब और एम्बर के चेहरे पर हम एक सस्पेंस वाली मुस्कान भी देखते हैं। फिर सभी जेकब के घर पहुंच जाते हैं और वहां पर साथ में रात को बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। फिर अगली सुबह जेकब को एक न्यूज मिलती है और वह एलेक्स को तुरंत बताता है, जिसे पढ़कर वह भी परेशान हो जाता है, जिसमें होता है कि पुलिस वाले जबरदस्ती इन्फेक्टेड लोगों को पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। फिर तभी एलेक्स जेकब को बता भी देता है कि केट ने और 60 डोज लाने का इंतजाम कर लिया है और उसकी हॉस्पिटल वाली फ्रेंड ऐसा करने में उसकी मदद करेगी। केट कल सुबह उसे लेने को जाएगी और अगली सुबह हम केट को वहां जाते हुए देखते हैं, लेकिन जैसे ही वह उस केमिस्ट के घर पहुंचती है वहां उसे कोई भी नहीं मिलता और फिर अचानक से उसे उसकी बॉडी जमीन पर दिखती है, जिसे किसी ने गला घोटकर मार दिया था। और केट को उसकी बॉडी पर से एक नाखून मिलता है, जिसे देखकर उसे सारा मामला समझ में आ जाता है कि उसके मारने वाला कोई और नहीं बल्कि एम्बर है। उसी वक्त वह एलेक्स को फोन करके सब कुछ बता देती है और उसे उनके घर में रखे बाकी के डोज को चेक करने को कहती है। और जब एलेक्स वो चेक करने के लिए जाता है तो उसे वह वहां पर नहीं मिलते और जेकब एलेक्स के लिए एक डोज और एक आई एम सॉरी का खत छोड़कर चला जाता है। एलेक्स को उसी के 25 साल पुराने दोस्त ने आज धोखा दे दिया था ताकि वह उसे अपने साथ रखकर उसके प्रोटीन इंजेक्शन चुरा सके। एलेक्स को समझ में नहीं आता कि जेकब ने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये हमें आगे जाकर पता चल जाता है। एलेक्स और केट अब बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। फिर अगले दिन जेकब एलेक्स को फोन करता है और उसे बताता है कि ये सब मैंने खुद के लिए नहीं बल्कि मेरी वाइफ के लिए किया है, उसकी लाइफ तुमसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे माफ कर दो। एलेक्स उसे कुछ भी बोल नहीं पाता और फोन रख देता है। इधर केट वापस हॉस्पिटल आती है और सारी बात वहां के ओनर को बता देती है और उससे इस बारे में हेल्प मांगती है। पहले तो वह उसे मदद करने के लिए मना कर देता है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई, लेकिन बाद में वह उसे अपनी सेफ में से वह सारे डोसेज दे देता है। इधर एलेक्स भी अपने आप को चेंज में बांध लेता है ताकि वह केट को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सके। डोज पाकर केट काफी खुश होती है और एलेक्स को हॉस्पिटल की पार्किंग में से ही फोन करती है, लेकिन उसकी बातें वहां कोई और भी सुन लेता है और वह जैसे ही गाड़ी में बैठती है वह आदमी तुरंत उससे वह बॉक्स लेकर भागने की कोशिश करता है। केट उसका पीछा भी करती है और भागते वक्त वह उसे टक्कर मार देती है, जिससे वह सारी डोज वहीं टूट जाती है और केट की बची हुई हिम्मत भी। रास्ते में आते वक्त हमें पता चलता है कि केट वही लड़की होती है जिसने अपने माँ बाप को बचपन में रिटर्न बनने पर मारा था और उसे वही सब अब से दोबारा दिखने लगता है। घर आकर वह एलेक्स से गले लगकर बहुत रोती है, क्योंकि अब एलेक्स का भी वही हाल होने वाला था।
एलेक्स अब एक जॉम्बी में बदलने वाला था। एलेक्स केट को बोलता है कि वे उसे शूट कर दे, लेकिन केट ऐसा करने से मना कर देती है। लेकिन बाद में एलेक्स उसे बहुत समझाता है और अंत में वह उसको शूट करने के लिए मान जाती है और उसे शूट कर देती है। केट अब उसे वहीं छोड़कर जा रही होती है, तभी हॉस्पिटल का मालिक उससे आकर पूछता है कि तुम कहाँ थी और तुम्हारा फोन कहाँ है। तो केट बोलती है वो तो कल रात वहाँ पे हॉस्पिटल की पार्किंग में ही गिर गया था। तो मालिक उसे बताता है कि क्या तुम्हें नहीं पता, जिस सिंथेटिक प्रोटीन से हम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे वो सच में काम करता है। अब कोई भी कभी भी ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। कंपनी ने एक ऐसा तरीका निकाल लिया जिसके इलाज से हमें रोज डोजेज नहीं देने पड़ेंगे। ऐसा सुनकर केट और जोर जोर से रोने लग जाती है, क्योंकि ये खबर आने से पहले ही वह एलेक्स को शूट कर चुकी थी और अब वह उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। और लास्ट में अकेले वह उसी घर में रहने चली जाती है जिसके पिक्चर उसने मूवी की शुरुआत में एलेक्स के साथ में देखी थी। और इसी के साथ भी हमारी ये ज़ॉम्बी लव स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतावें, और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही बेस्ट एक्सप्लेनेशन रोज की तरह लाता रहूं। तब तक के लिए बाय बाय।